So we have the last mechanism of the alkyl halides, which is called as E2 mechanism. E2, which is known as elimination bimolecular. एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूल. अब जनाब मैं ऑलरेडी आपने पढ़ाया है, मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है. इट्स क्वाइट सिमिलर टू SN2, उसमें कोई उतना फर्क नहीं है. हाँ, जिन चीजों में डिफरेंस है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ. समझ आ रही बात? तो यहां पे ये लास्ट मैकेनिज्म है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. इट्स सिमिलर टू SN2, इट्स नॉट एग्जैक्टली SN2, बट इट्स क्वाइट सिमिलर टू SN2. अब मुझे बताइए एक चीज, मैंने परसों आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये है Br, ठीक है, और यहां पे है H, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यहां पे और भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है. अब अगर मैंने इसको बेस के साथ ट्रीट किया या बेसिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट किया, तो उस टाइम पे आपने देखा कि ये और ये निकलता है, यानी यहां से H और Br निकलता है. H Br यानी लीविंग ग्रुप जो है वो अल्फा से निकलता है, और हाइड्रोजन जो है दैट कम्स फ्रॉम द बीटा, ठीक है. ऑलरेडी हमने इसके बारे में जो है वो पढ़ा है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो मैंने पढ़ाया है, तो ये उसी पे उसी के हिसाब से उसी का डिस्कशन है सर. अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो मैंने आपको परसों बोला कि एक है E1 मैकेनिज्म. E1 और SN1 में सिमिलरिटी है, बताओ कैसे? E1 में क्या होता है, पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है, उसके बाद यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज के बाद यहां से H पॉजिटिव निकलता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आता है. आपको प्रोडक्ट जो है वो जनाब ऐसे मिलता है, C डबल बॉन्ड C, देन इट्स हियर द ग्रुप्स, एंड प्लस जो HBr होता है वो न्यूट्रलाइज होता है. ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया, और इसी के मैंने आपको बोले कि ये करने के लिए यानी इलिमिनेट करने के लिए ग्रुप्स जो है फ्रॉम अल्फा एंड बीटा पोजीशन देयर आर टू रूट्स. देयर आर व्हाट रूट्स? टू रूट्स. वन रूट इज E1, अनदर इज E2. E1 का हमने डिस्कशन किया कि उसमें E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, वो हमने डिस्कस किया. और एक रूल भी मैंने आपको बताया था विच इज कॉल्ड एज सिजैक्स रूल. उसके हिसाब से अगर आपके पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है तो उस बीटा हाइड्रोजन से रिमूव कीजिए हाइड्रोजन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन. जिसके पास लेसर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन हैं उसी से आप रिमूव कीजिए हाइड्रोजन. तो इसको हम बोलते हैं सिजैक्स रूल. दैट रूल इज कॉल्ड एज व्हाट रूल? सिजैक्स रूल. अब हम यहां पे एक और चीज डिस्कस करेंगे जो कि दूसरा मैकेनिज्म यही करने के लिए है, विच इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, या हम उसको बोलते हैं E2 mechanism, which is also called as what mechanism. So we will have a discussion on what's called as elimination by molecular reaction. अब यहां पे देख लीजिए हम इसको कैसे describe कर सकते हैं कि elimination by molecular reaction कैसे होती है. अगर मेरे पास मान लीजिए alkyl halide है C, यहां से एक group है, यहां से दूसरा group है, और उसके बाद C यहां से Br है, ठीक है, यहां से भी और ग्रुप्स, और यहां पे मान लीजिए ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन. अब ये रिएक्शन मैंने किस में की? मैंने इसको मान लीजिए एक CH2 ओ नेगेटिव डाल दिया, ओ नेगेटिव के पॉजिटिव, और इसी का सॉल्वेंट भी यूज किया, यानी CH2OH, इसी का सॉल्वेंट मैंने यूज किया. उसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि जनाब प्रोडक्ट क्या बने, व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट. देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो अल्काइल वाली होती है ना, ये बड़ी बेसिस, बड़ी बेसिस के पास न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, लेकिन बड़ी बेसिस के पास बेसिसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है. तो इस वजह से क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि यहां पे कम अटैक करेगा. ये डायरेक्टली बेसिसिटी जो है उसकी, यानी बेसिसिटी का मतलब है H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होना, ये वही चीज यूटिलाइज करेगी. लेकिन अब कैसे यूज करेगी वो इंपॉर्टेंट है. अब होता यह है कि जब आप अल्काइल ग्रुप किसी भी सॉल्वेंट में इंक्रीज करेंगे तो उसका जो पोलैरिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है.
अब पोलैरिटी जब डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब यह है कि पोलैरिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि कार्बोकैटायन जो इवन मैकेनिज्म है वो फेवरेबल नहीं हो। तो फिर दूसरा मैकेनिज्म कौन है जिससे हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज E2। अब देखिए क्या होता है E2 मैकेनिज्म में, क्या होता है E2 इज क्वाइट सिमिलर टू SN2। मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे पीछे से न्यूक्लियोफाइल आता था, उसके बाद धीरे धीरे वहां से जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करता था, वो सारी चीजें यहां पे भी यूटिलाइज हो जाएगी। अब यहां पे इस रिएक्शन में जो हमारे पास बेस है इसको आप देख लीजिए, इसको मैं यूटिलाइज करूं, ये जो हमारे पास बेस है ये क्या करेगी, इसको कैसे यहां पे ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, मैं इसको थोड़ा यहां पे ऐसे दिखा सकता हूं बड़ा करके। यहां पे आपके पास सी है, उसके बाद एक और ग्रुप है और यहां पे आपका हाइड्रोजन, और उसके बाद सी मान लीजिए यहां पे Br है, ये Cl भी हो सकता है, ये Br भी हो सकता है, ये I भी हो सकता है, और उसके बाद जो आपने बेस डाली है दैट इज CH3 CH2 CH2 और उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है जनाब, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो जाएगी, मुझे बताओ एक चीज, ये जो है ना ये अब सॉल्वेंट कम है, इसका मतलब है इसको ये अप्रोच नहीं कर सकता, यानी इट कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड लार्जर बेसिस, लार्जर न्यूक्लियोफाइल्स आर आल्सो बेटर बेसिस, और इस बेटर बेस की वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट करेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट करेगा तो ये जो धीरे धीरे जो है यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो ये जो बीटा कार्बन है, जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। जब ये इंट्रैक्ट करेगी मुझे बताओ ये बॉन्ड को क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ एक चीज, इसको क्या निकालना है यहां से, यहां से ये निकालेगा क्या H पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये ऐसे हो जाएगी, ये धीरे 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 यहां से ये यूं ही यहां ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ इंट्रैक्ट करेगा तो ये निकालेगा इसको एज H पॉजिटिव, यानी इस ये कार्बन निकलेगा एज H पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से निकलेगी, तो यहां से हो रहा है बॉन्ड मेकिंग, यहां से हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां से हो रहा है बॉन्ड मेकिंग। अब जो ये है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर आएगी मुझे बताओ इसको क्या हो जाएगा, देखो इसके पास एक और चार्ज था ना, इसके पास एक और कैटाइन था Na पॉजिटिव, वो Na पॉजिटिव धीरे 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 जो हमारे पास Br नेगेटिव है इसको निकालने की कोशिश करेगा, यानी आपको ऐसे डेल्टा 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 नेगेटिव जो हमारे पास है Br नेगेटिव वो इसके साथ इंट्रैक्ट करेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आए। अब यहां पे देख लीजिए तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जैसे SN2 में बन रही थी ना, वहां से पीछे से अटैक कर हो रहा था, लेकिन SN2 में यहां पे अटैक हो रहा है, ये देख लीजिए अल्फा कार्बन पर डायरेक्टली अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस होता है, लेकिन एलिमिनेशन में जो हमारा बीटा कार्बन होता है, जो बीटा वाला कार्बन होता है उस पर अटैक हो जाता है बाय द बेस, और उसके किस पे, हाइड्रोजन पे अटैक होता है, और हाइड्रोजन को ये आहिस्ता 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 यहां से एब्स्ट्रैक्ट करती है एज एच पॉजिटिव, व्हाट एज एच, जो ही एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फ्लो करती है और उसके बाद यहां से निकलता है व्हाट, नेगेटिव। तो अब अगर हम इन नटशेल में देखेंगे इस कार्बन को, ये वाला कार्बन जो है इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद यहां से निकलेगा इसके साथ H पॉजिटिव और Br जो है वो इसके साथ निकलेगा Na पॉजिटिव के साथ। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट, मुझे बताओ एक चीज, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, यहां ये निकलेगा H पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से निकलेगा Br नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके ही निकलेगा, तो उस वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, बीच में बॉन्ड बनेगा, तो आपको जनाब मिलेगा, यू विल गेट अल्कीन डबल बॉन्ड सी एंड देन वी हैव लाइक दिस, प्लस यू विल गेट NaBr एंड प्लस यू विल गेट CH3 CH2 CH2 एंड देन इट्स OH। सो यहां पे देख लीजिए, ये हो गया जनाब आपका बीटा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका Br नेगेटिव, और इस तरह से आपको जनाब अल्कीन मिलेगा, एंड सच अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज E2 मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये जो है आपको पता है इसको मैंने क्या बोला है जनाब, ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट में R जो है दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ, वहां क्या लिखते थे जनाब,
न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अटैक इस कार्बन पे हो रहा था. नाउ यू हैव टू राइट व्हाट शाबाश, यू हैव टू राइट व्हाट, यू विल राइट बेस. अब देयर इज अ डिफरेंस, नाउ देयर इज अ डिफरेंस. पहला डिफरेंस यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन में यहां पे अटैक हो रहा है, एलिमिनेशन पे बीटा कार्बन पे अटैक हो रहा है. दूसरी बात अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर हम यहां पे देखेंगे तो दो ग्रुप्स यहां से एलिमिनेट होते हैं, यानी बीआर यहां से निकलेगा, एच यहां से निकलेगा, यानी यहां से दो ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहा है. एक अल्फा कार्बन से निकलता है, दूसरा बीटा कार्बन से निकल रहा है, लेकिन आ कोई नहीं रहा है, उसके बदले में यहां पे पाई बॉन्ड बनता है. तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको देखेंगे, बॉन्ड्स यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पे फिर से बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इतनी सारी चीजें ट्रांजिशन स्टेट में हो रही है. तो उस वजह से जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो है ये अनस्टेबल होगा. तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ए टू मैकेनिज्म हमेशा बड़ी बेसिस, उस बड़ी बेसिस की वजह से होता है, और अगर बेस की कंसंट्रेशन हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस वजह से ई टू मैकेनिज्म फेवर्ड होगा. समझ आ रही बात? और ई टू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहां पे देख लीजिए, व्हाट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं एसएन टू में रेट लिखा रहा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन ई टू में यहां पर जो रेट है, रेट ऑफ ई टू मैकेनिज्म इज डायरेक्टली इज डायरेक्ट इज इक्वल टू 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री. अब आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, ये तो डिफरेंस है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SN2 mechanism एंड E2. E1 का रेट भी 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, एंड E2 का रेट भी 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री. दैट मीन्स कि एलिमिनेशन सबसे ज्यादा फेवर्ड रहती है टर्शरी के लिए. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों. देखिए व्हाट्स द डिफरेंस. अगर आप यहां पे देखेंगे, पहली बात है कि अगर मान लो यहां पे टर्शरी होगा, मान लीजिए यहां पे ऐसे टर्शरी है, सी हमारे पास यहां पे बीआर है, ठीक है, ये है सीएच3, ये है दूसरा सीएच3, यहां है तीसरा सीएच3. मुझे बताओ एक चीज, स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पे होगी? अब बोलेंगे एसएन2 की तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस होगी. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. एसएन2 में न्यूक्लियोफाइल को यहां अंदर तक जाना है, फिर इसको डिस्प्लेस करना होता है, यानी बीआर को क्या करना होता है, डिस्प्लेस, यानी इस वाले कार्बन तक ये रीच करना चाहिए, उसके बाद यहां पे डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको पेनिट्रेट करना है न्यूक्लियोफाइल तक. लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे जनाब, ये काम तो दूर से भी होगा, तो होगा ये तो दूर से भी होगा, क्योंकि आपको हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है. हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ी ना मॉलिक्यूल के अंदर जाना है और उसके बाद आप एक्सपोज निकालो, ऐसा नहीं है. सो यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस का वैल्यू नहीं रहता है. और दूसरी बात, अगर आप देखोगे टर्शरी के केस में, यहां पे जितने बीटा हाइड्रोजन ज्यादा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा टू एब्स्ट्रैक्ट द एच पॉजिटिव. तो इस केस में हमारे पे, अगर हम ई टू मैकेनिज्म और एसएन टू की बात करेंगे, तो एसएन टू में स्टीरिक हिंड्रेंस कम्स बिकॉज यू हैव टू अटैक अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे ऑलरेडी ग्रुप सबस्टिट्यूट होते हैं, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है. लेकिन अगर आप ई टू की बात करेंगे तो आप वो काम दूर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंपली ई टू में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है. वो समझ आ रही है बात? तो उस वजह से यहां पे जो होता है E2 mechanism जो होता है, उसका रेट होता है 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन. तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की सबसे फेवरेट रिएक्शन जो है, जो मोस्टली वो पसंद करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन तो SN1 के थ्रू फेवर करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी फेवरेट सबसे ज्यादा रहती है एलिमिनेशन, जिसमें कि अल्कीन्स. तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं ऑन व्हाट वी से अल्काइल हैलाइड्स, वहां हम ये देखते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दूसरा होता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट. एलिमिनेशन प्रोडक्ट में यूजुअली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अल्कीन. इज इट क्लियर? So it always leads to the formation of alkene. So this is what's called as the E2 mechanism. And E2 mechanism में हमारे पास वही rule, यानी E2 mechanism में फिर से वही rule, Szach's rule use होगा. और Szach's rule use करने में Szach's rule आप use करोगे, यानी आप beta hydrogen उस वाले carbon से निकालोगे which contains lesser number of beta hydrogens. So let's have a discussion on certain examples. आप पहले इसको उतारिए. तो आप लिख लीजिए E2 mechanism अब कैसे होता है. E2 mechanism में एक क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट. और ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, दोनों. समझ आ रही है? पूरा, एक तो बेस भी और अल्काइल हैलाइड, बेस भी और बराबर SN2 की तरह, कोई फर्क नहीं है. वहां पे अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है, यहां पे बेस और ये हाइड्रोजन कहां से एब्स्ट्रैक्ट होता है, बीटा कार्बन से.
हैलाइड कहां से एब्स्ट्रैक्ट होता है? अल्फा से। उसके बाद बनता क्या है? अल्कीन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसको प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू बेस। अगर SN2 होता तब क्या लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल। और समझ आ रही बात? उसके बाद अगर आप रेट्स देखोगे, रेट्स जो है SN2 के केस में क्या रेट होता है? SN2 की 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन यहां पे रेट्स डिफरेंट है। इट्स 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहां पे आपको अल्कीन मिलता है एज अ प्रोडक्ट, एंड व्हाट द रूल यू विल यूज इज व्हाट्स कॉल्ड एज सिज़ाप्स रूल, व्हिच स्टेट्स दैट हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन। गई बात ये आप उतारिए पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैं इस पे थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद ये जो है इसको फिनिश करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल नाउ। हमारे पास लेट्स सपोज इफ वी हैव एन अल्काइल हैलाइड ऑफ दिस टाइप, मान लो यहां Br है। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रीट किया C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, अल्कोहलिक बेस। अच्छा, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक बेस, समझ आ रही बात? एक होता है एक्वस बेस जैसे NaOH, दूसरा होता है अल्कोहलिक बेस। अल्कोहलिक बेस की टेंडेंसी होती है टू गो फॉर द एलिमिनेशन। मैंने आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लार्जर बेसिस जो होती है ना, लार्जर बड़े 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 नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, वो उनका टेंडेंसी रहता है एलिमिनेशन की तरफ। यानी एलिमिनेशन में होता क्या है, जरा बताओ आप क्या हो जाएगा? इसका सॉल्वेंट कीजिए C2H5OH, जरा बताओ क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया? बीटा। ये हो गया बीटा, यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे दो, जरा बताओ क्या करोगे इससे? मगर ये कैसे हो जाए? ये कार्बन के टाइम के थ्रू होगा कि हमारे पास, अगर मैं यहां पे लिखता हूं E2 में कैंसिल, E2 में कैंसिल अगर फेवर हो, जरा बताओ क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए, इस पे तीन है, इस पे दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तीन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा नहीं, इसको हम बोलेंगे बीटा, ठीक है, सॉरी। तो इसमें तीन बीटा है, इसमें दो बीटा, बताओ क्या हो जाएगा? यहां से एक है, यहां से बी आर निकलेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा जनाब ऐसे, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू प्लस एच बी आर एंड यू विल हैव द प्रोडक्ट लाइन। दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा ऐसे, दिस इज द प्रोडक्ट जहां पे आपको ज्यादा वाले हाइड्रोजन यूटिलाइज करें, दिस कॉल्ड एज सिज़ैप, STAY, ZAPS product, ZAPS product। ये वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, यानी उस वाले हाइड्रोजन, उस वाले कार्बन से निकलेगा विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट, दिस कॉल्ड एज हॉफमैन्स प्रोडक्ट। अब हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? हॉफमैन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वन विच कंटेन्स ग्रेटर। सिज़ैप में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वन विच कंटेन्स लेसर। तो समझ आ रही बात? तो जनरली क्या होता है कि अगर यहां पे एक गुड लिविंग ग्रुप है, बताओ हाइड्रोजन में कौन कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है? हमारे पास बी आर है, सी एल है और आई है, ये तीनों कंसिडर किए जाते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। उस टाइम पे E2 मैकेनिज्म फेवर होगा, ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो। अब E2 मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, कौन सा रूल यूज हो जाएगा? मोस्टली व्हाट रूल इज यूज्ड इज सिज़ैप्स रूल, एक्सेप्ट इन सर्टेन केस। समझ आ रही बात? तो ये आप उतारिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस। ठीक है, विल हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। So, आपको यहां से अल्कीन मिलेगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास ये है, यहां Br है ये, ठीक है, तो मैं अगर इसको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करूंगा, जैसे कि हमारे पास C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव,
इसी का सॉल्वेंट CH3CH2OH, और रिएक्शन किससे हो रही है? E2 मैग्नीशियम से। ठीक है, तो क्या होता है? शाबाश, व्हाट कैन। अच्छा, इसी पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये है CH3O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और आपने यूज किया CH3OH। इसका पोलैरिटी बहुत ज्यादा है ना, पोलैरिटी ज्यादा है तो कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? E1 मैकेनिज्म। E1 में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या इलिमिनेट हो जाएगा? H पॉजिटिव। लेकिन E2 में क्या हो जाएगा? E2 में साथ साथ दून ये भी निकलेगा, और किस पोजीशन से? जरा बताओ, यहां कितने बीटा हाइड्रोजन है? दो। यहां पे कितने हैं? एक। ठीक है, तो कौन कहां से निकलेगा बताओ? यहां से निकलेगा ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा रूल यूज करोगे? यहां पे एक अल्फा एक बीटा है, यहां पे दो बीटा, तो कहां से निकलेगा? यहां से। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? दिस इज द प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये मिलेगा, यानी हाइड्रोजन निकलेगा यहां से। देखो मैं सिंपली ऐसे दिखाऊंगा, ये और ये निकालो, बस खत्म। यहां से एच, यहां से बी आर, आपको वहां पे पाई बॉन्ड एक मिलेगा। अब अगर यहां से निकला, आपको दूसरा प्रोडक्ट ये आएगा। इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? ज्यादा से निकालोगे तो हाफ मैनस, कम से निकालोगे तो सिज़ैक्स। तो जनरली स्टेबल कौन होता है? दिस वन इज स्टेबल, सिज़ैक्स वन इज स्टेबल, ये जनरली होता है अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। इज इट क्लियर? वो समझ आई बात? सो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे बाय द एलिमिनेशन। यहां से एच बी आर निकलेगा, यहां से भी एच बी आर निकलेगा, ये प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा अकॉर्डिंग टू विच रूल, व्हिच इज कॉल्ड एज सिज़ैक्स रूल। तो अब डोमिनेशन इसकी क्यों हो जाएगी वो आपको आगे जाके खुद ही पता चलेगा। सो दिस इज द व्हाट वी से हैज द डिस्कशन। तो यहां से E1 हो जाएगा क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, तो कार्बोकेटाइन नहीं। तो नेक्स्ट वी विल हैव, उतारिए इसको। आया समझ? वी विल हैव द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपके पास मान लीजिए ये है, इसके केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? तो मैंने इसको जनाब डाला C3H8O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसी का सॉल्वेंट CH3CH2CH2, ठीक है, C3H7, देन इट्स ओ नेगेटिव OH, ठीक है, इसका सॉल्वेंट बताओ क्या होगा? E2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा बताओ? जितना बड़ा करोगे ना उतना E2 फेवर होगा, जितना आप छोटी बेसिस लोगे अल्कोहल तो उतना E1 मैकेनिज्म ज्यादा प्रेफर होगा। बताओ क्या हो जाएगा? यहां पे बताओ कितने ये है ना, ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, ये क्या हो गया बीटा, बताओ। यहां यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 1 बीटा हाइड्रोजन, यहां से 2 बीटा हाइड्रोजन। कहां से निकलेगा जनाब? यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? विच कंटेन्स लेसर, लेसर का मतलब समझ नहीं आता है, कम, यहां पे ज्यादा है। तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पहले मैं बनाऊंगा वो जो कि ज्यादा स्टेबल है, ये दिस वन, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड। दूसरा बनाऊंगा वो जो कम स्टेबल है, ये दिस वन, ठीक है। तो सजैक के दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। समझ आया? लेकिन किसी एक केस में हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी डोमिनेट करेगा। देर आर सर्टन कंडीशंस कि जहां पे हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी डोमिनेट कर सकता है ओवर व्हाट वी सेज सिज़ैक्स। इन E1 में हमेशा सिज़ैक्स रूल यूज करना है, लेकिन E2 में आपको चॉइस है, इधर यू कैन यूज सिज़ैक्स और हॉफमैन, बट आई डोंट यू मोस्टली सिज़ैक्स रूल इज यूज, बट इन सर्टन केसेस देर आर 2 or 3 केसेस वेयर द हॉफमैन प्रोडक्ट इज यूज। इंशाल्लाह वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वंस वी हैव द व्हाट वी सेज आगे जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। नाउ we have actually completed the what's called as the alkyl halides, we will be heading towards the aryl halides. humne benzene ka jo hai wo resonance padha tha, ab do cheeze hamare paas hai, ek to hamare paas plus r effect hai aur dusra hamare paas minus r effect hai, pehle hum unko dekhne ki koshish karenge
और उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस अब बची हैं, उनको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. सो वी विल हैव द डिस्कशन ऑन प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स. पहले उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है और उसके बाद उनका जो है हमारे पास व्हाट वी से एज, पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो पहले हमारे पास जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनकी, और उसके बाद हम जानेंगे कि प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है. तो फर्स्ट वी विल हैव द व्हाट वी से एज, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि वो हमें ज़रूरत लगता है वहाँ पे. तो हम लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन, वी हैव नाउ अराइल हैलाइड्स. अराइल हैलाइड्स, ठीक है, अराइल हैलाइड्स, देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज, ठीक है. लेकिन इसको जानने के लिए फर्स्ट वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द, वी हैव व्हाट्स कॉल्ड एज, वी वांट टू एक्चुअली स्टडी प्लस आर एंड माइनस आर. प्लस आर और माइनस आर क्या होता है, या प्लस एम या माइनस एम क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स. उसमें उतनी रिएक्शंस अभी नहीं है, ठीक है. तो इंशाल्लाह उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर. अब थोड़ा हमें रिलैक्सिंग पॉइंट मिलेगा, अब उतना टाइम हमें इंशाल्लाह नहीं लगेगा. अब प्लस आर और माइनस आर में हमारे पास जो डिस्कशन है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. देख लीजिए, अगर हमारे पास बेंजीन, बेंजीन को हमने ऑलरेडी डील किया है कि ये होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन का ये. अब अगर मैं, ये हमारे पास मानो H है, अब अगर मैं इस H को रिमूव करूंगा विद सम एटम G, G, ठीक है, G जिसको हम बोलते हैं, H आपको पता है नीदर इट गिव्स इलेक्ट्रॉन नॉर इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, समझ आ रही बात. अब मैं किसी दूसरे ग्रुप या एटम को इसमें डालता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे डाल दिया, इसको मैंने G डाल दिया ऐसे. ये जो G होता है ना, G, इसको हम बोलते हैं की एटम, दिस इज कॉल्ड एज की एटम. की एटम का क्या मतलब है, की एटम का मतलब है ये आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन जो है इसको इन्फ्लुएंस करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे नीचे की तरफ सेंड करेगा यानी डोनेटिंग बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालेगा, यानी या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नीचे की तरफ आती है तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से विड्रॉ करेगा. अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ दिए, यानी बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्लाइटली उसने रिच किया, तो इसको हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट. क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट. अगर इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की, तो हम इसको बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, वन इज कॉल्ड एज प्लस एम, अनदर इज कॉल्ड एज माइनस एम विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन. इफ ए ग्रुप इज एक्चुअली सेंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द बेंजीन, देन इट्स कॉल्ड एज प्लस एम. यू राइट इट आउट. इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज कॉल्ड एज द की एटम gives electrons towards the benzene by the phenomena of resonance, by the phenomena of resonance it shows plus m effect, it shows plus m effect. If an atom or group of atom withdraws electrons from the benzene, it shows minus m effect. Such groups are called as electron withdrawing groups.
such groups are called as electron withdrawing groups, while as the other groups are called as electron donating groups. समझ आ रही बात? तो अब हम पहले वो वाले ग्रुप्स पढ़ेंगे जो प्लस एन दिखाएंगे, फिर हम वो वाले ग्रुप्स दिखाएंगे जो हम माइनस एन दिखाएंगे. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द ग्रुप्स विच शो प्लस एन इफेक्ट. तो दो तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, या तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. अब अगर इंक्रीज हो रही है तो कौन कौन सा ग्रुप इंक्रीज करेगा, अब अगर डिक्रीज हो रही है तो कौन कौन सा ग्रुप डिक्रीज करेगा, जिसको हम बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन प्लस एम इफेक्ट फर्स्ट. देख लीजिए, प्लस एम इफेक्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा है चुनाव, प्लस एम इफेक्ट पे हमने बहुत बात की. अगर आपके जी के पास, मानो आपका जी जो है वो अगर बराबर है मानो ओएच, ओएच पे क्या होता है जनाब, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, NH2. नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर इन कंजुगेशन. ऑक्सीजन O नेगेटिव या CH2 नेगेटिव, इन सब के पास क्या है, इन सब के पास या तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद बेंजीन. मुझे बताओ एक चीज, अगर मैं ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रा करूं, जरा मुझे बताओ एक चीज, अगर आपके पास ये बेंजीन है, हमारे पास यहां OH है, आप क्या करते थे, आपको तो याद होगा मैंने अब की एटम डाल दिया जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज, तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा मुझे बताओ, प्लस एम. दिस विल शो व्हाट इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट. अब होगा क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, मैंने आपको ये जुना पढ़ा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, OH डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऐसे. उसके बाद नेक्स्ट ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें बताई है, OH डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे. ये सारी चीजें जनाब आपने पढ़ी है, थोड़ा मुझे आपको क्लियर देना है कि होगा क्या, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और फाइनली आपको वापस स्ट्रक्चर मिलेगा. और जब आप इसका हाइब्रिड ड्रा करो, आपको OH यहां पे जो है, मुझे बताओ कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यू नो दैट हाउ टू डिटरमाइन दिस. यहां पे पार्शियल बॉन्ड ऐसे, यहां पे भी पार्शियल बॉन्ड, अंदर भी पार्शियल बॉन्ड, हर जगह. जरा मुझे बताओ एक चीज जरा देखो, यहां पे क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा कि डेल्टा नेगेटिव. यहां पे भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव. यहां पे भी क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव. अब अगर हम देखेंगे, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये अगर आप बेंजीन के कंपैरिजन में देखेंगे तो बेंजीन के कंपैरिजन में ये ग्रुप इन पोजिशंस पे प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है. ये पोजिशन कौन सी होती है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा. सो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड. और समझ आ रही बात, तो उस वजह से यहां पे प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. मुझे बताओ अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ग्रुप को डालूंगा जिसका पॉजिटिव चार्ज, वो किस किस पोजिशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, यही जानने की कोशिश. तो मैंने देखा कि एक ग्रुप था जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, वो बेंजीन में ऑर्थो एंड पैरा पे प्रेफरेंशियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज आ रहा है. अब देखिए बेंजीन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बेंजीन पे ये ग्रुप डालोगे तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है. इसका मतलब है द ग्रुप इज सेंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द बेंजीन, एंड इफ इट सेंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द बेंजीन, बेंजीन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच एंड इट विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेफरेंशियली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है किस किस पोजीशन पे. तो ऐसे सभी ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर्स है,
विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। एंड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। समझ आ रही बात? तो सारे प्लस एम ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बेंजीन के इंक्रीज करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन और उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफरेंशियली अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इज इट क्लियर? वो समझ आई? तो दिस इज प्लस एम इफेक्ट एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द डिस्कशन ऑन द माइनस एम इफेक्ट एज वेल एज वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। थैंक यू वेरी मच।